4 फुट तक ये फ्लाई करता है जब इसको टेक ऑफ पे लेके आते हैं। क्लिक एंड लुक स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एबीए फैमिली। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल। आज ये पैकेज आया है हमारे पास और इस पैकेज में है ड्रोन। ये नया ड्रोन हमने लिया है, पुराना ड्रोन जो है वो खराब होने के बाद। चलते हैं, देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर कैसा ड्रोन है, किस तरह का ड्रोन है, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स ओपन दिस पैकेज। आर यू एक्साइटेड? हाँ। डब्बे के अंदर जो है एक और पैकेज है जो कि अगर आपको नजर आ सके तो इसको खोलेंगे, पता लगेगा कि ये क्या है। उसके बाद इसकी प्राइस पे भी बात करेंगे, इसकी क्वालिटीज पे भी बात करेंगे। तो लेट्स ओपन। ये निकला है इसमें से एक ट्रैवल केस। तो ये है प्रोपेलर प्रोटेक्टर्स। तो ये है छोटा सा ड्रोन जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ जितना। रिमोट कंट्रोल, द कंट्रोलर। इससे पहले कि हम इसके टेस्ट फ्लाइट पे जाएं, हमें सबसे पहले चीजें इसके सेट करनी पड़ेंगी। सो दिस इज द कंट्रोलर दैट वी नीड टू गेट इट सेट अप। सो दिस इज अ कॉम्बो पैकेज दैट आई बॉट, नॉट जस्ट द ड्रोन। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट, द कॉम्बो पैकेज एक्चुअली कम्स विद लॉट ऑफ एक्स्ट्रास। ये जो ड्रोन है ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है अल्ट्रा लाइट 249 grams। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इफ द ड्रोन वेज मोर देन 249 grams, लाइक स्टार्टिंग 250, देन इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है आपको FAA से। तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता, तो उस कैटेगरी में ना होने की वजह से मुझे ना तो इसके लाइसेंस की ज़रूरत है और ना ही मुझे इसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है कि इसके ऊपर आपने गाइड लगाना है। ये जो लेट्स पुट दिस ऑन, पुट दिस ऑन। ओके, सो द नॉच एक्चुअली गोज इनटू इट एंड मूव द प्रोपेलर्स ऑन अ साइड। So now drone is safe. So just in case extra propellers दिए हैं, just in case कि अगर आपका drone crash होता है तो crash होने की सूरत में आप ये तीन sets हैं, 3 sets of propellers that you can use if you end up breaking the one that came with the original DJI. Full charge battery आपको time कितना देती है? Full time battery आपको देगी कम से कम आधा घंटा अगर आपका वेदर ठीक है, ज्यादा विंडी नहीं है। विंड में क्या होता है कि विंड की बैटरी की पावर ज्यादा यूज होती है क्योंकि बैटरी को ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करना पड़ती है, तो वो 20 मिनट, 25 मिनट या इससे लगभग जो है वो बैटरी के चलने के इम्कान होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसका कॉम्बो पैकेज बाय किया था। कॉम्बो पैकेज में ये होता है कि आपके पास तीन बैटरीज आती हैं। तीन बैटरीज से ये फायदा होता है कि अगर आपकी एक बैटरी डाई होती है तो उसको आप चार्जिंग पर लगा के बाकी की जो दो बैटरीज हैं उनसे आप अपना काम चला सकते हैं अगर आप कहीं टू गो पे हैं। आता हूं मैं आपको रिमोट की जानिब लेके। रिमोट का क्या काम है? रिमोट का काम है डेफिनेटली इसको कंट्रोल करना। ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट रिमोट है जो क्या आपके हाथ में बहुत अच्छे तरीके से पूरा आ जाता है और इसकी ग्रिप इंतहाई मुनासिब बनी हुई है। इन्होंने इस पे चीप प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया, गुड थिंग अबाउट दैट। उसकी वजह यह है कि DJI का एक नाम है, तो ये नहीं चाहते कि इनकी क्वालिटी कहीं पे भी कंप्रोमाइज करे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। के जो कॉन्स हैं वो बहुत कम है, प्रोज इसके बहुत ज्यादा है, स्पेशली एज अ बिगिनर एट दिस प्राइस। अगेन, प्राइस क्या है इसकी वो भी आपको बताता हूँ। इसको विजुअल रहना चाहिए, आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए और आप कहीं दूर नहीं जा सकते, एयरपोर्ट के एरियाज में और जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं उनमें आप इसको फ्लाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं इसके नीचे वाली साइड पे कि जैसे ही आप इसके ये नीचे कंट्रोलर का जो ग्रिप है वो इसको आप जब अनफोल्ड करते हैं तो अनफोल्ड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे दो जॉयस्टिक्स की आपको नॉब्स मिलती हैं। ये नॉब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको निकाल के तो आप यहाँ पे स्क्रू कर देंगे ऊपर जॉयस्टिक के। ये इसका एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, उसकी रीजन ये है। मैं इसको क्यों अच्छा कहता हूँ, मैं इसको इसीलिए अच्छा कहता हूँ कि जब भी आप टू गो पे होते हैं तो अगर ये नॉब्स लगी होंगी तो इनके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं और स्पेशली अगर आप इसको कैरी कर रहे हैं किसी स्पेशली आप ट्रेवल बैग के अंदर, तो ये नॉचेस उसमें नहीं आएंगी, तो ये आपको अनस्क्रू करके आपको दोबारा से पैक करनी पड़ेंगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। सेल फोन इसके अंदर आपने लगा देना है। सेल फोन जिस भी साइज का होगा वो इसके ऊपर फिट हो सकता है। इसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि ये खुल भी जाता है, वाइडर थोड़ा सा वाइड हो जाता है, थोड़ा सा नैरो भी हो जाता है, तो जिस भी साइज का आप सेल फोन इसके ऊपर लगाएंगे वो मोस्टली सेल फोन लगने के चांसेस हैं। अब मैं इसके अंदर लगाता हूँ, मेरे पास एक रेगुलर साइज का आईफोन है, मैं इसके अंदर लगाऊंगा आपके सामने और ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है और सेंट्रलाइज हो जाता है। तो ये इसकी पोजीशन है जो कि इस वक्त आपको नजर आ रही है। ये बहुत अच्छा, बहुत कॉम्पैक्ट साइज, बहुत कॉम्पैक्ट डिजाइन है और इसकी जो ग्रिप है ये बहुत ही अच्छी है, साइडों पर रबड़ लगा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें इसके राइट इंडेक्स फिंगर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये
पिक्चर की ऑप्शन है कि जब ड्रोन आपका फ्लाई कर रहा है तो आप पिक्चर ले सकते हैं, जितने भी फार आपका ड्रोन होगा तो वहां से आपकी पिक्चर बन सकती है। तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो स्विच नजर आ रहा है ये है वीडियो बनाने के लिए, इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इसका कंपार्टमेंट हो जाएगा क्लोज और ये ड्रोन जो है आपका इज गुड टू फ्लाई। अब मेरे पास ड्रोन जो है वो सेट हो गया है, रिमोट कंट्रोल सेट हो गया है, बैटरी इसके अंदर भी है, बैटरी इसके अंदर भी है, कुछ इसके साथ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स आए हैं, इसके साथ इन्होंने दिया स्क्रू ड्राइवर, तो ये है इसकी एक्स्ट्रा केबल्स, उसके बाद ये है सेट ऑफ नॉब्स जो कि आपके लगते हैं यहाँ पे कंट्रोलर पे, जस्ट इन केस कि अगर मेरे ये टूट जाते हैं किसी भी वजह से इसको कैरी करने के दौरान या कुछ भी करने के दौरान, तो मैं अनस्क्रू करके ये जो एक्स्ट्रा आए हैं वो मैं यूज कर सकता हूँ। आवर ड्रोन इज रेडी फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। हेलो गाइस। और उसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने ऐप इसके ऊपर इंस्टॉल की है, ऐप इंस्टॉल करने से ये है कि ये है DJI Fly, इसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कुछ भी करने के लिए फ्लाई पे जाने से पहले आपको उसमें क्या चीज चाहिए कि उसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड चाहिए जिसमें कि आपने पिक्चर्स और अपनी मूवीज बनानी है। इसमें जैसे आप इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्लिक की साउंड आती है। ओके, हमारे इस ड्रोन को सेटअप करने में आयशा ने भी बहुत सारा काम किया, आयशा ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें आयशा ने भी ढूंढी है। Can you wanna say hi to the camera? Hi guys. अब ये पेयर होने लगा है, अब इसकी लाइट जो है आप देखें, लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। 4 फुट तक ये फ्लाई करता है, जब इसको टेक ऑफ पे लेके आते हैं तो इसको मैं क्लिक करूंगा, लुक क्लिक एंड लुक स्टार्टेड। तो ये इस वक्त फ्लाई कर रहा है 4 फुट के अंदर ऑल अराउंड। ये जो सेल फोन के ऊपर मेरी पिक्चर आ रही है ये ड्रोन के कैमरे से आ रही है। तो ड्रोन इस वक्त मेरे अपने हाथ में है, ये है ड्रोन का कैमरा और जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये जो लेफ्ट वाला है ये है इसको लेफ्ट राइट पे मूव करने के लिए। इफ यू सी द ड्रोन इज मूविंग लेफ्ट एंड राइट इन राउंड शेप, ड्रोन इज मूविंग फॉरवर्ड, ड्रोन इज कमिंग बैक, और अगर इसको मैं लेफ्ट करूंगा तो ड्रोन इज गोइंग लेफ्ट वे साइड वे, और अगर राइट करूंगा तो ड्रोन इज मूविंग राइट वे। तो अभी आपने देखा कि ड्रोन ने जाके किसी चीज को टच किया है तो इसके प्रोपेलर सेव रहे हैं। ये देखें, ये ड्रोन टच करेगा प्रोपेलर इसके सेव हैं। ये है गार्ड्स का फायदा, ये जो गार्ड है प्रोपेलर गार्ड, इनका ये फायदा है कि ये सेव रहता है सब कुछ। Show the camera. Push the land. And then land it down. And it's landing now. Now it is looking down below. Alright, this is it. So this is packed. Okay. So everything in. Close this. Now you can keep it cool. This is our pack of the drum. और हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं एक पहाड़ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस पहाड़ का नाम है पापागो माउंटेन्स। हम यहाँ पे आपको ड्रोन की एक इनिशियल जो एक्सपेरिमेंटल एक फ्लाइट है दिखाएंगे। तो सो लेट्स सी। ओके, yeah.
नहीं चल रहा क्या, इसको ट्रैक कैसे कर सकता है बंदा, इसमें नजर ही नहीं आता ना, ट्रैक कैसे करो इसके ऊपर, बन रही है वीडियो yeah. बन रही है वीडियो इसको mm-hmm. बैक आ रहे हो या yeah. टर्न अराउंड करो ना इनको, ऐसा करो कि इनके पास जाके ना, पास जाके ना तो फिर फुल स्पीड पे बैक लेके आओ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ओह या या नाउ सो बैक टू देम, अब क्या करूं, फोकस देम, ओह गो बैक अ लिटिल बिट, नो 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 नो, डोंट गो डायरेक्टली डाउन, गो लाइक बैक अ लिटिल बिट एंड देन फेस इट टुवर्ड्स देम एंड देन ज़ूम आउट, ग्रैब इट, इट्स नॉट गोइंग टू इससे आ जाएगा इससे भाई। ओह माय गॉड। ओह We can actually see ourselves, right? Why are you scared? I play games, I know how to use joysticks. Dude, the mission I use the drone? You know that mission you use the drone in Black Ops 2 or something? No, it was There's drones in Modern Warfare too. It's only 60 feet. Alright, ye jo hai ab hum upar se bana rahe hain, upar se iska sara आपको नजर आ रहा होगा कैमरा कितना स्टेबल है, हालांकि ड्रोन जो है वो इस वक्त मूव कर रहा है अगर आप देखें, लेकिन ड्रोन के मूव होने के बावजूद पीछे भी जाता है ड्रोन, आगे भी जाता है, लेकिन पिक्चर आपको देखें कितनी स्टेबल इसमें नजर आ रही है आपको, इट्स वेरी कूल वेरी नाइस। कैमरे को मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये स्ट्रीट है, ये मेन स्ट्रीट जिसके ऊपर कि हम ड्राइव करके आए हैं। So, Wait, Baba, I have an idea. ये है यहाँ से सारी की सारी इसका व्यू। Baba, I have an idea. That is amazing view. If you can see, wow. What is it? So, the camera can't hear you. Mm-hmm. So I have an idea. So get the audio from this clip, and then but use this video. No, it's recording. I can't hear you. Huh? I can't hear you. Is there a microphone in this? Probably, there's something. Oh, can I try now? I mean, otherwise, how can you tell? Okay. Because most drones don't have mics. Drones are just for footage. Well, this is the experiment that we are doing. So, इसमें ये है कि अली का कहना है कि audio जो है हमारी record नहीं हो रही. So, we will see कि हमारी audio इस पे आती है कि नहीं आती. तो ये हमें देखना पड़ेगा अलविदा. Can I try? It's very nice experiment though. What? Look at the picture, amazing, isn't it? Yeah, it's amazing picture. Okay, Bilal ne bhi try nahi kiya, to baki 45% reh gaya. So I think Bilal better try. And let me bring it down a little bit, I think, for him. I play video games. I'm more familiar than.
अब ड्रोन जो है हमारे बिल्कुल पास आ गया है, सो लेट्स सी। Now drone actually can see us. Should we land it? Hello drone, how you doing? और आयशा जो है ये साइड पे खड़ी है। And this is Aisha. So Pran, so that's to like go up and down and look around, and this Hello, one is Aisha. To move forward. You got to be very careful. Crash नहीं होना चाहिए because the propellers have no guards at this point, especially. So you need to be very careful. ऐसा करो इसको जरा नीचे लेके आओ, मैं इसको ट्रैकिंग पे लगाऊं। इसको नीचे लेके आओ, मैं ट्रैकिंग पे लगाऊं। मोर 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 मोर। ओके स्टॉप। ख्याल से बेटा, डोंट डू द रैश ड्राइविंग। इसको इसको एस पे ना लगाओ। एस पे बहुत फास्ट ट्रैक कर, फास्ट वो करता है रन। तो ये हमारा ड्रोन का जो एक्सपेरिमेंट है वो तो हमारा हो गया, हमारा कामयाब हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब कैमरा इज अ स्टेबलाइज्ड कैमरा, इसमें गिम्बल लगा हुआ है, सो गिम्बल इज द टेक्नोलॉजी दैट कीप्स द पिक्चर स्टेबलाइज्ड रिगार्डलेस हाउ मच योर ड्रोन इज मूविंग, सो यू गेट अ वेरी वेरी गुड पिक्चर एंड वेरी वेरी लाइक स्टेबलाइज्ड पिक्चर विद इट। And this is so much fun as well. इसको उड़ाना भी एक fun है. It's so much fun. I'm pretty sure Bilal is enjoying. I play video games, so this is so easy. Yeah, but the real thing is different than the. क्योंकि उसमें तो crash भी करते रहते हो. Remember? इसमें तो crash नहीं कर सकते ना फिर. I'm just trying to like. एस पे रखना इसको, एस पे स्लो पे सी पे मेक श्योर। नहीं बच्चों की मुलाक का। So I can't fly the drone. Okay, तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा हमारा ड्रोन का जो एक एक्सपेरिमेंट है और ड्रोन का ये जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे आके अब हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइफ को और अपने ब्रेन को फ्रेश करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह खाना वाना खा के तो फिर हम घर वापस जाएंगे और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा ड्रोन में थोड़ा सा इसको उड़ाने में इंजॉय कर लेंगे और आयशा जो है वो भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेगी और इसके अलावा और कोई चीज़ है। ओके जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, तो इस वीडियो के बारे में ज़रूर ज़रूर बताएं कि ये एक नई चीज़ है हमारे लिए भी, कि ये आपको कैसी लगी, इसका एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। तो उसके फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि जो लोग रोज़ हमें कमेंट्स भी करते हैं, रोज़ हमें ईमेल्स भी करते हैं, रोज़ हमें कोई कुछ ना कोई बात हमसे पूछते हैं लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन्हें कोई थैंक यू भी बोल सकें, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? उन सब का तहे दिल से शुक्रिया और हम जो मुसलसल हमें कमेंट्स कर रहे हैं आई होप हम उनके लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेस रखेंगे अपने ABF फैमिली ब्लॉग में। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी हैं, फन भी है और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी नए ब्लॉग में किसी नए दिन, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.